कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं G5 की रिलीज हुई मोस्ट एंटिसिपेटेड, ऐसे मैं मानता था और कई लोग मानते थे मगर आधे से ज्यादा लोग नहीं मानते हैं, लव हॉस्टल। तो इस मूवी को ना हाइप तो 0% है, किसी को पता भी नहीं चलेगी ये मूवी कब आई और कब निकलेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि आज की हमारी इंडस्ट्री में जहां तक चल रही है चीजें, वहां पर किसी मूवी को हाइप बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो और उसमें कुछ पुट डाउन कर दो, जिससे कारण वो कंट्रोवर्सी के कारण वो हाइप मिल जाए। पर यहीं पर ये मूवी कहीं ना कहीं अंडररेटेड पर ये फिल्म किसी को पता नहीं चली। मैं बात करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में, जिसके स्टारर में विक्रांत सान्या और बॉबी देओल, यार इस टाइप की स्टार कास्ट होने के बाद जो इसकी टिपिकल स्टोरी है आप लोगों को मैं लिटरली बता दूं, ये इंटरकास्ट लव मैरिज पे मतलब बेस्ड है पूरी स्टोरी। पर आप लोग ये फिल्म इतनी रिफ्रेश और इतनी अच्छी टाइट स्क्रीन प्ले के लिए मैं बात कर दूं कि ये 1.5 घंटे की मूवी आपको ना मतलब कि आपको टट्टी आए, सुसु आए, जो भी आए, मगर आप उठ के जाने वाले नहीं हो। इतनी बेहतरीन इसकी स्क्रीन प्ले, क्योंकि 1.5 घंटे आप लोग पता है कि बहुत मतलब कि छोटी लगेगी, मगर इतनी टाइट स्क्रीन प्ले है ना और इतनी जबरदस्त इसको मतलब कि डायरेक्ट किया गया कि फिल्म आपको कभी बोरियत फील नहीं कराने वाली। अब बात करने वाले इसकी थोड़ी सी स्टोरी के लिए, तो होते हैं विक्रांत एक मतलब इंटरकास्ट में मुस्लिम खानदान से और इधर से होते हैं हिंदू रिलीजन से सानिया जी, इनकी दोनों की लव मैरिज कहीं ना कहीं जाती है, अटक जाती है जब इनकी होती है मैरिज की बात और उन पर आम पड़ती है। दोनों जो पार्टी है वो सहमत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, क्योंकि इंटरकास्ट में आपको पता ही है हमारे इंडिया में कहां तक यहां होती है, जहां पर सोशलिज्म के साथ में क्या क्या मीडिया भी यहां पर टूट पड़ती है, मतलब कि पॉलिटिक्स भी यहीं पर है, जो हमारे समाज का प्रेशर होता है वो तो होता ही है। यहीं पर होता क्या कि दोनों कर लेते हैं कोशिश, उसके बाद जाते हैं कोर्ट पे अपील करने के लिए। कोर्ट में जहां पर वो मैरिज सर्टिफिकेट मतलब कि मैरिज करने के लिए जाते हैं, मगर वहां पर एक नियम होता है जिसे मुझे आज ही पता चला इस फिल्म को देख के, शायद आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो दोनों एक जगह से दोनों इंड से दोनों फैमिली को बुला कर ये पूछा जाता है कि आप इस शादी से एग्री कर रहे हैं या नहीं, तभी इनकी शादी को मंजूरी दी जाती है। तो इसके लिए इनको 1 हफ्ते तक सेफ हाउस में रखे जाते हैं। पर इस सेफ हाउस के बारे में यार, जब ये मूवी वहां पर पहुंचती है तो एक पास प्यार जो रोमांस चलता है उसके साथ में जो दहशत जो टेर मतलब कि ऊपर से जो खूंखारपन दिखता है ना, दोनों एक साथ मतलब कि ना आपके ध्यान ही नहीं हटेगी रोमांस उसके साथ में, ये जो घुसाया गया इसमें दहशत, यार माइंड ब्लोइंग, क्या मतलब कि मैं कहूँ इस मूवी के बारे में। इसके साथ में मतलब कि वहां पर उनकी मौत का जो खंजर है ना वो कभी भी दिल को आर पार कर जाएगी, इस टाइप से हमेशा लटकती रहती है उनकी जान इस मूवी पर। और इसी बीच में आते हैं बॉबी देओल, उनकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी, इनको मतलब कि डायलॉग्स दिए गए हैं इतनी अच्छी, उनकी एटीट्यूड और जो उनका स्वैग के साथ में वो कत्ल कर रहे हैं यार, मतलब ना वो जैसे कि जो नारियल वाला होता है जो रास्ते से अपने नारियल काट के पानी पिलाने के लिए इंसान देता है, वो तो गर्दन काटने पे लगे हैं, चाहे गोली से हो या किसी चीज से हो यार, हैट्स ऑफ, क्या उन्होंने काम किया, उनके लुक से लेके बेहतरीन एक एक लेवल तक बॉबी देओल हैट्स ऑफ सर, मैं नमस्कार करता हूँ आपसे इस मूवी को हमें देने के लिए, क्या बेहतरीन लगी ये मूवी। मैं आपसे अगर यही कहूँगा इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जहाँ पर इतनी सारी मूवीज देख रहे हो 1.5 घंटे इन्वेस्ट करके इस मूवी को देख लो, आप जरूर कहेंगे कि ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है, फिल्म की कॉन्सेप्ट चाहिए है, मगर ये फिल्म इतनी अच्छी रिफ्रेशिंग आपको लगेगी कि कहीं आप लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये मूवी मुझे खल रही है। और बने रहेगा मेरे तरफ से इसी किसी मूवी की रिव्यूज और किसी मूवी अपडेट्स के लिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, और बने रहेगा।